हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का वर्क एजुकेशन की एक और क्लास में। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही जनरल और कॉमन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। यूज़ इसको हम बहुत करते हैं, है ना, अपने घरों में यूज़ करते हैं, और घरों में क्या, जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जानते नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। कम से कम इतना तो सीख जाए कि अगर कोई हमसे पूछे कि भाई व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ आंसर उसका दे पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इंसान ने तो उसको बाद में बनाया अपने यूज़ के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचुरली भी होती है। ठीक है, वो नेचुरली कब देखी, कब इंसान ने उसको देखा पहली बार, जो बिजली गिरती है आसमान से उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, वो मैंने यहाँ बताया भी है आप लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, और इस वजह से वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, उसको नोटिस करने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर रिसर्चेस शुरू हुई बहुत पहले। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म, जब आंधी तूफान आता है, है ना, और ये जो लाइटनिंग, बिजली गिरने की जो आवाज़ें होती हैं, उस टाइम पे कहते हैं ना, शेड के नीचे खड़े हो जाइए, नहीं तो बिजली गिर जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें बहुत एनर्जी होती है, वो जो थोड़ी कुछ मोमेंट्स के लिए जो सर्ज आता है वो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बहुत एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि आग लग जाती है, हमारे अप्लाइंसेस ख़राब कर जाती है वो फ्यू सेकेंड्स के लिए ही आ करके भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ मोस्ट वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स। अब ये एनर्जी सोर्स, वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स जो है वो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, वर्सेटाइल सोर्स कौन सा है, जो हमने खुद बनाया है, जो हमारे साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, दैट इज़ मोस्ट वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स दैट वी हैव, एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट। हमारे लिए तो ये नया ही सोर्स है, 200 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी ही थी, मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो घरों में रोशनी करने के लिए भी लालटेन्स का यूज़ करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगभग थोड़ा नया सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसने हमारी लाइफ्स को एकदम रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। ठीक है, ये हमारे जीवन का एक वाइटल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, लाइफ लाइन बन गई है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, रेड इसलिए किया है क्योंकि डेंजरस भी होती है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड बाय वायर्स। जो मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, जिसे हम यूज़ करते हैं, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड बाई वायर्स एंड इट इज़ यूज फॉर हीटिंग, लाइटनिंग एंड अदर एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोवाइड पावर टू द मशीन्स, जो हम लोग बहुत सारी मशीन्स अपने घरों में यूज़ करते हैं, किचन में आपके वॉशिंग मशीन्स हो गए, टोस्टर्स, माइक्रोवेव्स, फैंस, इन सभी मशीन्स को एनर्जाइज जो कर पाए, जो वायर्स से फ्लो करे, ऐसी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज़ यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। ठीक है, देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में यूज़ करते हैं, वर्क प्लेसेस में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, एग्रीकल्चर में, और बहुत सारे अलग अलग एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ने ऑफकोर्स हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना ही दिया है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है आज वो हमारी लाइफ लाइन बन गई है। सोच सकते हैं, अगर एक दो दिन लाइट ना आए तो क्या हाल होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी लाइफ लाइन बन गई है। हमारे फ़ोन्स चार्ज नहीं हो पाएंगे, हम कंप्यूटर्स नहीं चला पाएंगे अपने, बहुत सारे काम हमारे अटक जाएंगे, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ना सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये तो चलिए ठीक है, इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। ठीक है, इट इज़ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, विच मीन्स कि ये हमें मिलता कैसे है। ठीक है, वी गेट इट फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर कॉल्ड प्राइमरी रिसोर्सेज। जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सभी हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, ये हमें एज इट इज़ नेचर से मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को
को हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें एज इट इज़ नेचर से नहीं मिलती है ना, हम प्राइमरी सोर्सेस को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, अब इसके बाद ये मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया, साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक एटम से दूसरे एटम में। जब एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तभी तो वो फिर वायर्स के थ्रू भी फ्लो कर पाएगी, है ना। तो और एटम जो होता है वो बताया है अभी कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स के मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। एटम जो है, अब एटम भी कुछ पार्टिकल से बने हुए हैं। अब वही बताया है कि देखिए, एटम के सेंटर में जो होते हैं प्रोटॉन्स, जिन पर की पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में रहते हैं न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है किसी भी एटम का, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और ये कौन सा चार्ज हो गया इस पे? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक और पार्टिकल होता है हमारे एटम में, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं हिल सकती, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, ठीक है। न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ये जो चारों तरफ आप ये सर्कुलर ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं इन्हें, ये जो आप पाथ देख रहे हैं, इनमें ये जो येलो येलो डॉट्स देख रहे हैं ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पूरे जो एक असेंबली होती है ना, ये मिलके हमारी बनाती है एटम, ओके। तो एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो भाई करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, ये तो हिल नहीं सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए कौन सा हमारा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ये इन शेल्स में घूमते हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों, कि जो शेल इसके सबसे नज़दीक होगा, जिसको हम लोग इनर मोस्ट शेल कहते हैं ना, वो इसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, और जो ये दूर दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनमें फिर फोर्सेस कम होते जाएंगे। तो उनके लिए इस एटम को छोड़ के जाना बहुत आसान हो जाता है, और यही फिनोमेना होता है करंट फ्लो का। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखा, अभी उसी का थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन है यहाँ पर। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अब ये हम सबको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो यहाँ देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से कूद के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, या दूर जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कांस्टेंट डिस्टेंसेस पे रहते हैं न्यूक्लियस से, अलग अलग शेल्स में। ये जो आप ये सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, इनको हम लोग शेल भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग शेल्स में जो न्यूक्लियस के, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला, इसमें ना मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। ये हर एटम की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका इनर मोस्ट या फर्स्ट शेल होता है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जो आउटर शेल्स होते हैं उनमें और ज़्यादा, सेकेंड शेल में 8 रह सकते हैं, थर्ड शेल में भी 8 रह सकते हैं, ठीक है। तो जितना शेल जो है वो दूर होता जाएगा, है ना, इसने यही बताया है कि जो क्लोज होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स, उनमें उतना अट्रैक्शन फोर्स होगा ही नहीं, दूर हो गए ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको उनके ऑर्बिट से बाहर निकाला जा सकता है, कैसे? उनको एक्सटर्नल एनर्जी दे करके, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर वो इधर उधर घूमेंगे एटम में बाकी जगह, और ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं इन अ सर्किट, सर्किट क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ जहाँ से कि करंट फ्लो कर सकता है, दे कैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, यहाँ
कंपैरिजन किया है एंट से, कि जैसे एंट्स पूरी एक लाइन में वो लीव्स कैरी करती हैं, अपना खाना कैरी करते हैं, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ना एक पाथ में, एक सर्किट में, तो वो क्या कैरी करते हैं? वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये क्लास सिक्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से फ्लो कर सकती है, कैसे मटेरियल से फ्लो कर सकती है? कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या हुआ? ऐसे मटेरियल जिनमें से कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम लोग हमारे घरों में जो वायर्स यूज़ करते हैं ना वायरिंग में, वो सभी वायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉपर की बनी हुई होती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आसानी से इधर उधर उसमें घूम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, घूमते रहते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। जबकि इसका रिवर्स, रबर या प्लास्टिक, इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं पेरेंट एटम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो भाई करंट कैसे फ्लो करेगा, है ना? तो इसलिए ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से कि करंट फ्लो नहीं कर सकता, जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स का ऑपोजिट क्या हो गया? इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हुआ जिसमें ऐसे मटेरियल जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से कि करंट आसानी से पास हो सकता है, और इंसुलेटर्स जिनमें से कि करंट पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास उस मटेरियल में, उन एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना है बच्चों, ओके? तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा। ओके, बाय, टेक